हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी मेरे तरह इंडिया से बाहर है, सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, कहीं भी विदेश में हैं आप, और अगर आपको मन नहीं लग रहा तो ये वीडियो देख लीजिए। पक्का मेरा गारंटी है कि 80% 90% आपको मन लग जाएगा, क्योंकि मेरा भी हो चुका है लगभग 2-3 महीना घर से दूर। मेरा भी 1 साल का बेटा है, जब वो रेंगता था, मतलब कि चलता नहीं था, तभी से उसको छोड़ के आए हुए हैं और अभी वो चलना स्टार्ट कर दिया। मन तो बहुत करता है उससे मिलने का, मन तो बहुत करता है उसे गोद लेने का, लेकिन मन नहीं कर रहा था। तो सोचे कि आखिर क्या करें कि जो हमको भी मन लगेगा और आप लोग को भी। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब कि बाहर में होंगे, आपको मन नहीं लग रहा होगा, तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग को मन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर आपको मन नहीं लग रहा तो आप 1 मिनट के लिए उसको सोचिए जो बहुत सारे भी इंडिया में जेल में है। जेल में होंगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जेल में नहीं हो। वो मर्डर केस में या कोई रेप केस में या कोई दूसरा केस में अभी जेल के अंदर में हो, जिसको उम्र कैद का सज़ा सुनाया गया हो। ठीक है, आप 1 मिनट उसके जगह में रख के देखें और अभी जो है विदेश में आप उसको भी आप सोचें। दोनों में फ़र्क यही नज़र आएगा कि तुम उससे तो अच्छा ज़िंदगी तुम्हारा है, कि वो उसका दिन कैसे गुजरता होगा जो जिसका उम्र कैद का सजा हुआ है। आप ये सोच लीजिए कि उससे बेहतर हमारा ज़िंदगी, यहाँ पे डेली डेली काम करने के लिए जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, अपना शौक भी पूरा कर रहे, जो मन में आ रहा है वो शॉपिंग कर रहे, मोबाइल लेने का मन आ रहा है वो मोबाइल ले लीजिए, कपड़ा लेने का मन कपड़ा लीजिए, जो मन में आता है वो कर लीजिए। अभी जैसे आज हम लोग को सैलरी मिला, जो मन में आया वो खरीद लिए, शॉपिंग वोपिंग कर लिए, जो घर भेजना था भेज दिए, पहला बात वो। दूसरा बात सुन लीजिए कि आखिर क्या मतलब कि आप सोचिएगा कि दूसरा बात है अपने पापा को थोड़ा याद कर लीजिए कि किस तरह से जब आप बचपन में थे तो किस तरह से आपके पापा आपको बड़ा किए, आपको पोस पाल के बड़ा किए, पढ़ाई लिखाई कितना कष्ट से आपका हर एक ख्वाहिश पूरा करते थे, और आप उस जगह पे है तो आप जिस जगह पे है आपके पीछे आपका गार्जियन का हाथ होगा, आपका घर वालों का हाथ होगा उसके लिए, तो आप उस कष्ट को झेलिए और उसका ख्वाहिश को पूरा कीजिए। एक वक्त हुआ करता था जब घर वाले आपके ख्वाहिश को पूरा करते थे, अब वक्त आ चुका है कि आप घर वालों का ख्वाहिश पूरा करें, आप मम्मी पापा को आप आराम दें, वो भी बुजुर्ग हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप सोच लीजिएगा, अपने पापा का मेहनत किस तरह मेहनत से काम करते थे, ये बात अगर आप सोच लीजिएगा तो मेरा गारंटी आपको विदेश में मान लगेगा। तीसरा बात, अपना वाइफ को याद कर लीजिए, अपना बच्चा लोग को याद कर लीजिए कि वो तुम्हारे वाइफ तुम्हारे लिए ही अपना घर परिवार छोड़ के आई है, उस उम्मीद से बैठा है बैठी है घर में कि तुम उसको पैसा भेज दोगे आप और उसका ज़िंदगी का हर एक सपना पूरा कर सकोगे। अपने बच्चे को याद कर लीजिए कि तुम अपने बच्चे का भविष्य सुधार पाओगे, जो मन आएगा तुम अपने बच्चे का हर एक ख्वाहिश पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब बात आप याद कर लीजिएगा तो आपको विदेश में ही मन लग जाएगा। और ये बात आप जान लीजिए कि आप जब तक विदेश में रहेंगे तब तक आपके घर वालों को पैसा का प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं भी 10-20 हज़ार इमरजेंसी में लगे, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बुखार लग गया, इसी 10-20 हज़ार भेज देंगे आप, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हल्का सा इमोशन होता है जब वाइफ से कोई दूर होता है, तो हल्का सा क्या, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, मन नहीं लगता है, तकलीफ़ होता है, यार शादीशुदा आदमी है, वाइफ घर में अकेली है, मन नहीं लग रहा है, उस चीज़ को इमोशन को थोड़ा मारिए। ठीक है, बात बता दें। पांचवा बात यह है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पांचवा बात यह है कि यहाँ तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पे हजारों इंडियन हैं, लाखों इंडियन हैं भाई, लाखों इंडियन। हम बता रहे ना, हम जिस कंपनी में, यहाँ पे सिर्फ 5 हज़ार आदमी है जो सिर्फ एक कंपनी का, और ऐसा कंपनी 100 से 200 से ज़्यादा कंपनी होगा, और इस तरह सब कंपनी में 5-5-6 हज़ार आदमी काम करता है, तो तुम अकेले नहीं हो। बहुत आदमी है जो इंडिया से यहाँ पे काम करने के लिए आए, उसका मुंह देख लीजिए, उन सबका घर वालों को देख लीजिए, आखिर वो भी तो आदमी है, वो भी तो घर वालों को छोड़ के आया, उसका भी तो फैमिली है, उसका भी तो
वाइफ घर में इंतज़ार कर रही है, उसका भी बीवी बच्चे, उसका भी जिम्मेदारी है। जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। छठा बात है दोस्तों कि किसी की जिम्मेदारी होगा, किसी को बहन का शादी कराना होगा, किसी का घर बनाना होगा, किसी को बोरिंग करवाना होगा, किसी को गाड़ी लेना होगा, किसी को घर का मेंटेनेंस करना होगा। आपको तो पता ही होगा आजकल घर बनाना कितना मुश्किल हो गया है। आप अपना खूबसूरत सा सपना का अपना घर बना सकते हैं अपना, अगर आप विदेश में रहेंगे। ये सब बात याद कर लीजिएगा तो आपको मन लग जाएगा। हमको भी मन नहीं लग रहा था, फिर हम 10 मिनट क्या हम डेली इस बात को सोचे, फिर सब टॉपिक को जमा किए कि आखिर कौन सब बात हमको बोले, कौन सब बात सोचे कि हमको यहाँ मन लग जाएगा। ठीक है, तो और इतना ही है और कुछ नहीं है। और एक खास बात ये है कि अगर आप भी इंडिया में बेरोज़गार है, पैसा नहीं है आपके पास, काम सीखना चाहते हैं और आप विदेश आना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के चैनल में मैकेनिकल फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में एक प्ले लिस्ट में एक वीडियो बना हुआ है। उसमें सारा का सारा इंटरव्यू का, मैकेनिकल फिटर का, जनरल फिटर का क्वेश्चन आंसर क्या का पूछता है इंटरव्यू, सारा चीज़ वहाँ पे आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं, इंटरव्यू निकाल सकते हैं। क्या है कि विदेश में बहुत सारा मतलब कि प्लांट है, रनिंग प्लांट में पेट्रोलियम प्लांट है, आपको तो पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा पेट्रोल इंडिया में और यहाँ का पेट्रोल ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ये तो जो पेट्रोल यहाँ रिफाइनरी होता है, पेट्रोल डीजल मोबिल जो भी रिफाइनरी होता है, ये प्लांट ख़राब जब होता है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए इंडिया से आदमी को बुलाया जाता है। तो क्या काम आने से पहले इंटरव्यू में सवाल जवाब पूछा जाता है, उस सवाल जवाब के ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, सब आप देख सकते हैं, आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। और सारा का सारा जेन्युइन ऑफिस मुंबई में भरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें से आपको ऑफिस का डिटेल्स मिल जाएगा, 20 जेन्युइन। और एक ख़ास बात, अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है या कोई भी नॉर्मल इंसान बोलता है कि हम आपको विदेश ले जाएंगे, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। विदेश ले जाने के नाम में बहुत सारा धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, चोरी चमारी हो रहा है, तो इस तरह का फ्रॉड से सावधान रहें। इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद। इंतज़ार करें मेरा अगला वीडियो, कि क्या मेरा अगला वीडियो आएगा। जैसे ही इंटरव्यू पोस्ट आएगा मैं इस यूट्यूब चैनल में डालते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल में आप अगर नए पहली बार है तो सब्सक्राइब करते जाना एंड में, क्योंकि आपका भाई लोग है, दोस्त लोग है जो मतलब कि आना चाहता होगा काम करने के लिए, तो उसको हमारा चैनल शेयर कर दें ताकि उसको भी थोड़ा हेल्प हो जाए और वो भी दो पैसा कमा सके और वो भी अपनी ज़िंदगी के सपना को पूरा कर सके। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं।